नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। एनसीबी की टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच एनसीबी की नई टीम करने वाली है। एनसीबी विजिलेंस टीम अब मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। दिल्ली से मुंबई रवाना हुई एनसीबी विजिलेंस टीम और ड्रग्स क्रूज केस की जांच ये नई टीम करने वाली है। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार इस मामले में भी नए मोड़ आते रहे। उसके बाद समीर वानखेड़े जो इस मामले की जांच कर रहे थे उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे। फिर जमानत मिल जाती है आर्यन खान को। उसके बाद समीर वानखेड़े की एक तरफ जांच के लिए टीम परसों ही रवाना हो चुकी थी उस पूरे मामले के लिए, वहीं दूसरी तरफ अब जो ड्रग्स क्रूज केस है उसके लिए डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में जांच होगी। टीम दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। और अब देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग यानी नेशनल हाईवे 965 के 5 खंडों को 4 लेन करने के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की ओर से ये सौगात दी गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग यानी नेशनल हाईवे 965 जी के 3 खंडों को 4 लेन बनाने का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर वो महाराष्ट्र के पंढरपुर से नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 223 किलोमीटर के अपग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। ये रोड 1180 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां वो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी गृह मंत्री ही करेंगे, जिसमें राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह का दौरा उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम है। माना जा रहा है कि शाह अपने एक दिन के दौरे में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के एक और दौर की तलाश कर रही है, जहां वो 5 साल पहले निर्णायक जनादेश के साथ सत्ता में आई थी। 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच कर सकते हैं, जिसकी चेतावनी किसान नेता गुरमान सिंह चढ़ूनी ने दी है। बताया जा रहा है कि इस दिन किसान संसद का घेराव कर सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 9 नवंबर को होने वाली बैठक में होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जो फैसला होगा उसके तहत वो आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले कल हरियाणा के रोहतक में मकड़ौली टोल प्लाजा पर किसान संगठनों की एक बैठक हुई। बताया गया कि इस बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि 26 नवंबर को सभी किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 9 नवंबर को होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस है और उस दिन सांसद कूच किया जाए और ये प्रस्ताव हरियाणा की तरफ से 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में रखा जाए, वहाँ से पास कराया जाए। तो वहाँ पे प्रस्ताव रखा जाएगा, पास होगा तो जाएंगे, नहीं पास होगा तो फिर उसके बाद विचार करेंगे। पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय मछुआरे की मौत पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस घटना पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के सामने उठाने वाला है। आपको बता दें कि गुजरात तट के पास अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर रविवार शाम को पाकिस्तानी मरीन की ओर से फायरिंग की गई थी। इस गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। वहीं 6 मछुआरों को अगवा करने की भी खबर है। मारा गया मछुआरा महाराष्ट्र के पालघर जिले का रहने वाला था। भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की तरफ से परेशान किए जाने की ये पहली घटना नहीं है। अरब सागर में कई बार पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी भारतीय मछुआरों को बंदी बना लेती है। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान ने माना था कि उसकी जेलों में 270 मछुआरे और 49 आम नागरिक हैं। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के दर्शन करवाने के लिए भारतीय रेलवे ने रविवार को श्री रामायण यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रेलवे की टूरिस्ट डिलक्स ट्रेन यात्रा के लिए रवाना हुई। दिल्ली से 132 यात्री स्पेशल ट्रेन से श्री रामायण यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। 17 दिनों की इस यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े अयोध्या, सीतामणि और चित्रकूट समेत कई प्रमुख स्थान शामिल होंगे। ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है।
इस ट्रेन को अलग अलग थीम पर चलाया जाएगा। सबसे पहले इसको रामायण की थीम पर चलाया जा रहा है और ये ट्रेन उन जगहों पर जाएगी जहां पर रामायण से जुड़े पात्रों का महत्व है, खासकर प्रभु श्री राम। और अब देखिए राज्यों की बड़ी खबर। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में दिल्ली एनसीबी की टीम एक्शन में आ गई है। जांच के लिए बनाई गई एनसीबी की सेंट्रल टीम आज से मुंबई में अपनी छानबीन तेज कर देगी, जिसके तहत आज इस केस में गवाह नंबर एक प्रभाकर सेल से पूछताछ की जा सकती है। प्रभाकर सेल को एनसीबी ने सम्मंस जारी कर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया है। प्रभाकर सेल ने ही आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा आज आर्यन खान भी एनसीबी की जांच टीम के सामने पेश हो सकता है। आर्यन खान को एक दिन पहले यानी रविवार को बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बुखार का हवाला देते हुए वो एनसीबी के सामने पेश नहीं हुआ था और आज पेश होने के लिए वक्त मांगा गया था। इस मामले में आरोपी अरबाज मर्चेंट का स्टेटमेंट कल एनसीबी ले चुकी है। सीबीआई ने कल देर रात असम के पूर्व सीएम हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि अशोक सैकिया की गिरफ्तारी 25 साल पुराने एक लोन केस में हुई है। उन पर बैंक को करीब 9 लाख का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। सीबीआई आज उन्हें अदालत में पेश करेगी। अधिकारियों ने बताया कि अशोक सैकिया को पूछताछ के लिए बार बार तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले काफी देर तक गुवाहाटी में सीबीआई की टीम ने अशोक सैकिया से पूछताछ भी की थी। ये एक लोन केस था, जो बैंक से लोन लिया गया था मेरा एक कंपनी, उस कंपनी ने लोन वापस भी कर दिया और बैंक से हमारे पास में चिट्ठी भी आ गया है जो कि हम कोर्ट में पेश करेंगे। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से रविवार को ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। मुख्तार अंसारी से ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। रविवार सुबह 12:45 बजे जेल में दाखिल हुई टीम शाम करीब 6:15 बजे पूछताछ के बाद जेल से बाहर निकली। मुख्तार अंसारी से ये पूछताछ अलग कमरे में ऑन कैमरा हुई। ईडी ने जुलाई में ही माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। गाजीपुर की 2 और लखनऊ में दर्ज 1 FIR को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू की थी। ईडी की नजर मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर थी, जिसके संबंध में ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों से जुड़ी कंपनियों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैराना और रामपुर जाएंगे। योगी आज दोपहर करीब 12 बजे कैराना पहुंचेंगे, जहां वो पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो विजय सिंह पथिक महाविद्यालय जाएंगे, जहां वो पीएसी कैंप और फायरिंग रेंज के शिलान्यास के साथ जिले को करीब 411 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा सीएम योगी आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास चाबी वितरण और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटेंगे। इसके बाद वो वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैराना के बाद योगी रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो दोपहर करीब 2:30 बजे रामपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां वो रामपुर के लोगों को करीब 64 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के फिजिकल कॉलेज के मैदान में एक जनसभा भी करेंगे। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विशेष सत्र में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र की उस अधिसूचना को वापस लेने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें बीएसएफ के ज्यूरिडिक्शन का विस्तार किया गया है। इससे पहले कल पंजाब सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य में पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर घटा दिए गए। नई कीमतें देर रात से लागू हो चुकी हैं। पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य में पेट्रोल करीब 95 रुपए लीटर और डीजल 83.75 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसी के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। इसके बाद हरियाणा और हिमाचल का नंबर आता है। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस सत्र में 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र की उस अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन का विस्तार किया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य में पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर घटा दिए हैं पंजाब की सरकार ने। नई कीमतें बीती रात से लागू हो चुकी हैं। तो यूपी कानून के खिलाफ प्रस्ताव आज के विशेष सत्र में लाया जाना है। वहीं बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बॉर्डर्स के पास से बढ़ाया गया है, 15% से 50% किया गया है, उसको लेकर भी आज प्रस्ताव इस विशेष सत्र में लाया जाएगा।
बिल्कुल, तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया था, जिसका लगातार पंजाब सरकार विरोध कर रही थी। अब आज क्या कुछ होगा हाउस में, ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय मछुआरे की मौत पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस घटना पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। हम इसे कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के सामने रखने वाले हैं। मामले की जांच जारी है। दरअसल रविवार को पाकिस्तानी मरीन ने एक भारतीय नाव पर फायरिंग की थी। गुजरात तट के पास जलपरी नाम की बोट पर हुई गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे श्रीधर की मौत हो गई, जबकि 6 मछुआरों को अगवा कर लिया गया। तो इस पूरे मामले में जांच जारी है। वहीं भारत का भी पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरे मामले में सख्त रुख देखने को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग NH 965 के पास खंडों को 4 लेन करने के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन बनाने का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की पंढरपुर से नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 223 किलोमीटर के अपग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करेंगे। ये रोड 1180 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र को आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। NH 965G को 4 लेन बनाने का शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है। नितिन गडकरी और CM उद्धव ठाकरे की मौजूदगी की भी जानकारी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कैराना में पलायन के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ आज कैराना का दौरा करेंगे और कैराना से पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से मुलाकात योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसके साथ ही CM योगी अपने दौरे पर PAC कैंप और फायरिंग रेंज के शिलान्यास के साथ जिले को करीब 411 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके अलावा CM योगी आज रामपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यूपी के मुख्यमंत्री का एक दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज रामपुर जाना है योगी आदित्यनाथ को, साथ ही कैराना के दौरे पर भी रहेंगे। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जोरों पर है। एक तरफ अखिलेश यादव महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ पिछली सरकार को कोस रहे हैं। भविष्य का चुनाव है आपका भी, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है इन्होंने, डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए, किसानों की जान चली गई, कोई मदद करने वाला नहीं है। मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की, इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है इनसे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दुबला लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अंबेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले चलोगे या नहीं ले चलोगे? किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके यहां पर लोगों के बीच तक पहुंचाई जा रही है। इसका लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी, पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश के 25 करोड़ जनता ही परिवार है, और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे, सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। दीपावली के बाद प्रदूषण की मार झेल रही राजधानी दिल्ली को अब पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है, जिस वजह से कई वाटर ट्रीटमेंट प्रभावित हो गए हैं। 2 दिनों से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी नहीं आने की शिकायतें आ रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा था कि यमुना नदी में अमोनिया का प्रदूषण बढ़ने के कारण सोनिया विहार, भगीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों की क्षमता प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त मालवीय नगर इलाके में मौजूद हूं। हमारे साथ
आसपास के इलाके के लोग मौजूद हैं, कुछ गुप्ता कॉलोनी के हैं, कुछ आर ब्लॉक के हैं, कुछ पंचशील के हैं और यहाँ पे सब लोग हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पानी नहीं होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में इन दो दिनों के लिए कैसी चुनौती रही है। उसके अलावा हम ये भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि पानी में जो प्रदूषण बढ़ा है और जिस तरीके से हवा में प्रदूषण बढ़ा है उनकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर पड़ रहा है। बताइए कि जो पानी में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, अमोनिया का स्तर बढ़ा है, पानी की आपूर्ति जो है उससे प्रभावित हुई है, क्या कुछ समस्या झेलनी पड़ रही है आपको? हाँ, जो कि जैसे कि अभी पता चला है कि अमोनिया की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा हो गई है पानी में, तो इसीलिए कि पीछे से पानी की सप्लाई भी रोक दी है क्योंकि ट्रीटमेंट में पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो आज भी पानी नहीं आया है और कल भी नहीं आया है। ये समस्या कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो इसलिए हम लोगों को वैसे भी कितनी कैपेसिटी नहीं है पानी को कलेक्ट करने के लिए, तो ये समस्या अब जल्दी जल्दी होने लगी जब से अमोनिया का प्लांट में ये दिक्कत आने लगी क्लीनिंग करने में। सर, पानी कैसे मैनेज कर पा रहे जब पानी नहीं आ रहा? तो पानी की जो एक प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी ज़रूरी प्रॉब्लम है क्योंकि पानी के बिना तो आप दो मिनट नहीं रह सकते। लाइट भले ही घंटे दो घंटे हम रह सकते हैं, पानी के बिना हम दो मिनट भी नहीं रह सकते। तो पानी की जो प्रॉब्लम है, हमारे सीएम साहब ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 24/7 डे देंगे पानी आपको, मगर वो आज 7 साल होने को आ रहे हैं। आज दो घंटे पानी आता है 4 बजे, अगर बाई दी वे कोई 4 बजे नहीं उठ सका, नींद आ गई, तो 5-6 बजे प्रेशर ख़त्म हो जाता है और दिन में सारा दिन फिर वो बेकार हो जाता है। हवा, पानी, ये किसी भी इंसान के लिए बेहद ही बुनियादी ज़रूरत है, एक बेहतर हवा, बेहतर पानी मिल सके, लेकिन वो बेहतरीन चीज़ें नहीं मिल पा रही है। मैम, ये बताइए, पानी नहीं है घर पे, कैसे मैनेज कर रही हैं? बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी, किसी से मांगना पड़ता है, यहाँ तो जिनके यहाँ समर सीवर हैं उनके यहाँ से लेना पड़ता है हमें, और जब स्टार्टिंग में पानी आता है तब भी वो गंदा पानी आता है, और उसके बाद 4 बजे हम चलाते हैं लेकिन वो 4:45 बजे हमारा पानी चला जाता है, मालूम नहीं कैसे चला जाता है। उसके बाद फिर 5:30 बजे से शुरू होता है, हमें तो मुश्किल से 1 घंटा पानी मिलता है। आप पानी की कमी को लेकर के मैम क्या कहेंगे? देखिए, पानी की कमी को लेकर मेरा यही कहना है कि पहले तो जैसे हम सभी वर्किंग लोग होते हैं, दूसरा जो दिल्ली है यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट सिस्टम में 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर अगर पानी नहीं आया तो हम वाटर टैंक भी नहीं मंगा सकते क्योंकि उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, इतना ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। और इसके बाद वही जैसे पानी की जो टाइमिंग है वो सिर्फ एक बार आता है पानी, वही जैसे अगर सुबह कोई नहीं उठ पाया फिर उसके बाद पूरा दिन उसको बिना पानी के गुजारा करना पड़ता है, और ये दिल्ली जल बोर्ड वालों का मैसेज इतनी लेट आता है, कई बार तो हम लोग इवन देख भी नहीं पाते हैं। तो देखिए, जो पानी को लेकर के कई सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है, चाहे पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा हो जिसकी वजह से वाटर सप्लाई बाधित हो, या फिर पानी के जो लोग प्रेशर की बात बता रहे हैं कि प्रेशर इस तरह का होता है पानी के अंदर कि जैसे लगता है कि कोई इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। उसके अलावा और भी समस्या पता लगी कि जब ये पानी जैसे ही वो नल चालू करते हैं वैसे शुरुआत के कुछ वक्त तक गंदा पानी आ रहा होता है, यानी कि पानी को लेकर के कई सारी समस्याएं हैं, और ये बुनियादी सुविधा को लेकर के अगर एक इंसान की ज़िंदगी में अगर कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी तो सवाल यही है कि आखिर इंसान कहाँ जाएगा, अपनी बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए वो किससे गुहार लगाएगा, क्योंकि आम लोग जो हैं वो लगातार अथॉरिटी, प्रशासन, सरकार सबसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बुनियादी सुविधाएं कौन पूर्ति करेगा। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब देखते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन में 600 किसान मर गए लेकिन उनके लिए शोक तक नहीं मनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों के हित की बात करता रहूंगा, मुझे राज्यपाल बनाने वाले हटने के लिए कहेंगे तो 1 मिनट में राज्यपाल के पद से हट जाऊंगा। किसान आंदोलन के 1 साल होने पर 26 नवंबर को किसान संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो संसद की तरफ कूच करेंगे, इस पर 9 नवंबर की बैठक में कोई फैसला हो सकता है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी है। कांस्टेबल तौसीफ अहमद वानी को उनके घर के पास गोली मारी गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इलाके की घेराबंदी कर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की फायरिंग में भारतीय मछुआरे की मौत हो गई है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये घटना गुजरात के द्वारका में समुद्री इलाके की है जिसमें एक मछुआरे की मौत हुई है जबकि दूसरा मछुआरा घायल हो गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद चेन्नई समेत 4 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। चेन्नई के निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है। खुद मुख्यमंत्री स्टालिन ने कई जगहों पर जाकर हालात का जायजा लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है।
यूपी में चुनाव से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ये कहकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है कि अगर निषाद समाज के लोग तब तक वोट नहीं देंगे जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। निषाद ने कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करे, नहीं तो इसका असर गठबंधन पर पड़ सकता है। उन्होंने हर जिले में 9 नवंबर से प्रदर्शन करने की बात भी कही है। यूपी के कैराना आ रहे योगी आदित्यनाथ पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आज रामपुर में भी उनकी रैली है। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की केंद्र की अधिसूचना को भी वापस लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। शराबबंदी की नाकामी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया है। आरजेडी ने कहा है कि जेडीयू के पार्टी अध्यक्ष के करीबी के सामने शराब पी जा रही है, अगर आप में नैतिकता है तो कार्रवाई करें। वहीं वीडियो में दिखे नूनू सिंह कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छठ को लेकर सियासत जारी है। पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग छठ के लिए घाट नहीं बनने दे रहे हैं। वहीं अब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो आज यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। सीएम केजरीवाल में दम है तो उन्हें रोक कर दिखाएं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान एनसीबी की एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए नहीं आए। बताया गया कि वो बुखार होने की वजह से नहीं आए, जबकि एनसीबी ने रविवार को अरबाज मर्चेंट और अजित कुमार से 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की टीम ने यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। सीबीआई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक फ्रॉड के केस में गुवाहाटी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व सीएम के बेटे का कहना है कि वो पहले ही लोन भर चुके हैं और मुझ पर गलत आरोपों के तहत कार्रवाई की गई। गुजरात के भावनगर में अपने साथ दूसरों की जान जोखिम में डालकर सड़क पर पटाखे जलाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। भावनगर के शिवाजी सर्कल में एक व्यक्ति पटाखे की लड़ी जलाकर उसे चारों तरफ घुमाकर स्टंट कर रहा है और जिससे रास्ते में गुजर रहे कुछ लोग डरते भी नजर आए। बिहार के खगड़िया जिले में एक दारोगा पर शराब पीने का आरोप लगा है। आरोप दहेज से जुड़े केस में गोगरी पुलिस स्टेशन आई महिला ने लगाया है। शिकायत के बाद एसपी ने दारोगा अरुण कुमार को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। वही दारोगा का कहना है कि वो होम्योपैथी की दवा लेते हैं, शायद इसीलिए महिला को लगा होगा कि शराब पी है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके यात्री आज से अमेरिका आ सकेंगे। मेड इन इंडिया को वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी अमेरिका में एंट्री मिल सकेगी। आज से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए लगी कई पाबंदियां हटा दी हैं। अमेरिका में आज से 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले से ही किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। अमेरिका में साल कोरोना से 94 बच्चों की मौत हुई है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ड्रोन से हुए हमले में बाल बाल बच गए हैं। ये हमला उनकी हत्या करने के इरादे से भेजे गए ड्रोन के जरिए किया गया, जिससे उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में इराकी पीएम के कुछ सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। ईरान की सेना ने ओमान की खाड़ी के नजदीक युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास में इराक की थल सेना के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी भी शामिल हुई। ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिमी देशों के साथ ईरान की न्यूक्लियर टॉक होने वाली है। इससे पहले ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। उत्तरी चीन में बर्फबारी के आगाज के साथ ही पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसके चलते बीजिंग समेत कई शहरों में सड़कें बंद हो गई हैं, फ्लाइट रद्द करनी पड़ी हैं। कुछ जगह तो 11 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। आज एनसीबी की विजिलेंस टीम दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। क्रूज ड्रग्स केस में दिल्ली एनसीबी की विजिलेंस टीम आज से मुंबई में एक्शन शुरू करेगी। मामले में जांच तेज करते हुए विजिलेंस की टीम आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से पूछताछ कर सकती है।
एनसीबी ने सैम डिसूजा को भी पूछताछ का समन भेजा है। सैम डिसूजा, जिसके नाम का जिक्र प्रभाकर साल के एफिडेविट में था, पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर है। टीम ने आर्यन खान को रविवार के लिए पूछताछ का समन भी भेजा था, लेकिन आर्यन खान सेहत का हवाला देकर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके साथ ही विजिलेंस टीम मामले में गवाह प्रभाकर साल का बयान भी दर्ज करेगी। एनसीबी ने प्रभाकर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी विजिलेंस टीम गोसावी का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में परमिशन दाखिल करने के साथ सुनील पाटिल जिनके नाम का जिक्र बीजेपी के नेता की तरफ से किया गया, सुनील पाटिल का भी बयान दर्ज आज हो सकता है। इससे पहले रविवार को एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अच्युत कुमार से करीब 9 घंटे पूछताछ की है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह टीम को लीड करेंगे और बांद्रा का सीआरपीएफ मेस को दिल्ली एनसीबी विजिलेंस टीम अपना कैंप ऑफिस बनाएगी। तो आज ये पूछताछ, पूरे इस मामले में जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आर्यन खान, किस किस से पूछताछ होनी है ये हम आपको बता रहे हैं। आर्यन खान से पूछताछ आज एनसीबी की टीम करेगी। इस टीम का नेतृत्व ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं और आर्यन खान के अलावा प्रभाकर सायल, केपी गोसावी, पूजा ददलानी, इन लोगों से भी पूछताछ करने की पूरी कोशिश एनसीबी की टीम की रहेगी। क्रूज ड्रग्स केस में हर रोज देखिए नए दावे सामने आ रहे हैं। कल एक बार फिर से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि आर्यन खान को किडनैप करके फिरौती वसूलने की साजिश की गई। इसके साथ ही इस केस में नवाब मलिक ने नए किरदारों के रोल पर भी कई दावे किए हैं। देखिए रिपोर्ट। आर्यन खान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ क्रूज ड्रग्स केस न जाने और कितने मोड़ लेगा, क्योंकि अब यह केस सीधे सीधे समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो गया है। आज नवाब मलिक ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई नए दावे किए, जिसमें सबसे बड़ा दावा यह था कि आर्यन खान को क्रूज से हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि आर्यन की किडनैपिंग की गई थी। आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाम लिया, मोहित कंबोज। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक ने सीधे सीधे आर्यन को किडनैप करने का आरोप लगा दिया। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में कई पहलू सामने आ रहे हैं। इस मामले में कल मोहित कंबोज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सुनील पाटिल नाम के एक शख्स का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल, नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। नवाब मलिक ने आज उस मामले में एक और नया नाम लिया, आर के बजाज का। नवाब मलिक ने आर के बजाज पर एनसीबी के साथ मिलकर उगाही करने का आरोप लगाया। ये नंबियार और राजकुमार बजाज आरकेबी, ये इस शहर में इनके लिए काम करते हैं।
एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला के लोगों को डराते हैं, नाम घोषित करते हैं, वसूली करते हैं, जो पैसा ना दे उसको एनसीबी से रेड करा देंगे, नहीं तो पूरा शहर में जो ड्रग का नेक्सस है उसकी वसूली का काम ये दो लोग करते हैं। उसके कुछ आर के बजाज का नाम सामने आया तो टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने आर के बजाज को ट्रैक किया। नवाब मलिक के आरोपों को आर के बजाज सिरे से खारिज कर रहे हैं। So basically he has said that you were extorting from several people under the behest of Mr. Sameer Vankhede. So just... Not at all. Never. Oh. I've never done that. Okay. I've never extorted anything from anyone. I wish I did though. No, so, I haven't. So what... So why is he making these allegations? I mean, what were your connections with Mr. Vankhede? May I give you a background? Yes, sir. I have no connection with Mr. Vankhede. Okay. Hello. Okay. I'm a journalist. इस मामले में नवाब मलिक कई खुलासे कर चुके हैं। एनसीबी की तरफ से भी कई बार सफाई आई। इसके अलावा केस से जुड़े कई लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। जनता कंफ्यूज है क्योंकि अब ये जंग सीधे सीधे नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े होकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। क्रूज ड्रग्स केस में विजय पगारे नाम के एक नए शख्स की एंट्री हुई है। विजय पगारे ने दावा किया है कि मनीष भानुशाली ने फोन पर पैसों की डील का जिक्र किया। विजय का दावा है कि जब ये डील हो रही थी तब वो वहीं मौजूद थे। जो कमेंट बेसिकली किया है पाटिल के बारे में वो क्या है, मतलब आर्यन खान केस के बारे में आप क्या जानते हो? ये तो बात ऐसी है साहब, मैं गए हुए 4-5 महीने से उसके साथ हूँ। मेरा पैसा उसके तरफ लेना, उस काम के लिए दिया। किसके साथ? किसके साथ? सुनील पाटिल को। ओके, सुनील पाटिल, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं उनके साथ ही घूमता था 5-6 महीने से। ओके, पैसे लेने बिना मैं निकलने वाला नहीं था क्योंकि मैंने 3 साल से पैसे दिया था हाँ, इसलिए मैं उनके साथ। मैंने वो अलग अलग होटल में बैठते थे ना, वे मेरे आंखों से देख रहा था मुझे। कौन कौन बैठता था? कौन कौन बैठा था? ये तो देखो, दो ललित में डिसूजा आता था, श्याम डिसूजा आता था, और ये मनीष भानुशाली आता था। ये तो अभी ये अपना प्रकरण होने के पहले इसको देखा मैंने, किरण गोसाई को, 15 दिन पहले। और क्या देखा आपने? देखा तो ललित में ये सब देखा था, बाकी ये जो बात है मैं आपको से सुना है सब। यानी ये 27 नौ को जो है ना, ये याद रुके थे हम फॉर्चून होटल में वाशी में, तो भानुशाली आया, शराब पिया था और एक लड़की थी उसके साथ, शराब पिए रुके, फिर वो रात को आए हमारे दूसरे रूम में, वहाँ सुनील पाटिल के पप्पी लेके बोला भाई बड़ा गेम आ गया, हो गया, चलो निकलना है अभी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद निकलना है? अहमदाबाद क्यों निकलने का था उनको? अभी उनको ही पता अहमदाबाद क्यों निकलना था ऐसा। तो केपी गोसावी और मनीष भानुशाली अहमदाबाद चले गए? नहीं नहीं, 11:30-12 बजे बाद केपी गोसावी और सुनील पाटिल एक गाड़ी में गए। अच्छा, एक गाड़ी में। और हाँ, और दूसरी उनकी छोटी गाड़ी में वो लड़की और भानुशाली निकल गए होटल से। अच्छा, हाँ हाँ। अपना हाँ, दूसरे दिन इसका प्लेन वो भानुशाली बोला था मेरा प्लेन है, बोले अहमदाबाद के लिए दूसरे दिन 28 तारीख को हो गए। फिर मैं बाद में उनसे 28-29 बात करता रहा सुनील पाटिल के साथ। सुनील पाटिल बोलता रहा तेरे पैसे 2-3 दिन में करता हूँ, तू होटल मत छोड़ना, होटल का बिल मैं, होटल का बिल तो वही देते थे। पर ये क्या गेम था? क्या गेम था? आप उनके साथ बैठते थे तो क्या समझा आपको? जी सर, सुना नहीं मैंने, गेम क्या था? मतलब आप बड़ा गेम ये लोग बोल रहे थे, वो क्या गेम था? वही ना, वही तो देखो, बड़ा गेम उस दिन बोला 27 तारीख को, बड़ा गेम हो गया, आ गया तो चलो नाना का ही पैसे दे देंगे, सबका निपट जाएगा। जो 27 तारीख को जो ये बोला उसके बाद ये हुआ 5 दिन के बाद। तो मतलब 27 तारीख को इन लोगों ने ऐसा, ये तो क्लियर होता है ना सर? नहीं हाँ, बराबर। और ये वानखेड़े को कभी देखा आपने ये सब चीज में? नहीं, कभी भी नहीं, इनके साथ तो आज तक देखा नहीं, कभी भी देखा नहीं। बोला 2 तारीख को सुनील ने बोल दिया कल तेरे को पैसा मिल जाएगा तेरा नाना, कल चेकआउट कर देना होटल, कल पैसा मिल जाएगा। बोला 3 तारीख को जब सवेरे भानुशाली, मनीष भानुशाली मेरे रूम पे आया 7 बजे, लगभग 7 बजे थे शायद, हाँ 7:30-7 बजे थे, नाना उठो जल्दी नहाओ, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा।
ऐसा बोला और बिल्कुल मेरे गाड़ी से लेके वो चलने लग गया बॉम्बे तरफ। अच्छा, तो बॉम्बे तरफ जाते वक्त ये हिंदी में गुजराती में बात करता था। वो किससे बात करता था वो सामने वाली पार्टी के किसको मालूम नहीं, पर बोलता था बड़ा झोला हो गया, पता से के निकल गया, 18,000 में डील हुई थी, बाकी पैसा हवाला हो गया, चोरी क्यों नहीं मिला, पूजा पूजा ही फोन उठा रही, शाम फोन उठा रहा, सही का फोन बना रहा, बहू क्या हुआ, ये झोला तो नहीं हो गया। अच्छा, ये आपने अभी जो अभी आपने जो बात बोली वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या ये बात वापस पूरा दोहराओगे एक बार, मतलब क्या एग्जैक्टली बोलते थे? यस सर, क्या बोलते थे? मुझे ये 3 तारीख का किस्सा है सबसे। हाँ, नहीं मतलब मनीष भानुशाली फोन पे क्या बोलता था? ये गुजराती में बोलता था, गुजराती में तो समझ में नहीं आती, गुजराती और हिंदी में बोलता था। हिंदी में ऐसा बोलता था पूजा श्याम इनका नाम लेते थे, कभी कभी किरण गोसाई ने पता देखे क्यों निकल गया, 18 में डील होता, 17:30 आ गया था वाला, कहा क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, ऐसा दो चार कंटिन्यू बोलता था। फिर बाद में दो बार मैंने खाली उनके मुंह से वानखेड़े साहब का नाम सुना। वानखेड़े का नाम सुना किसके नाम से? जिसके मुंह से? हाँ, उसके भानुशाली के नाम से सुना खाली। क्या सुना? वो वानखेड़े साहब से बात हुई क्या? अच्छा, इतनी बात सुना, बाकी ये पूरा सुना, अपने साथ झोला हो गया, धोखा तो नहीं हुआ, अपना पैसा आ गया, रिटर्न क्यों हुआ, ऐसा एक शेल्फी की वजह से ऐसा वैसे इनकी बात चल रही थी फोन पे, जब तक तो हम वहाँ पहुंच गए एनसीबी ऑफिस में। एक सेल्फी की वजह से? सेल्फी की वजह से मतलब ये रेड की बात की बात है, बात के दिन की, बात के टाइम की बात है। हाँ बराबर। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी से कल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में घंटों पूछताछ की है। ईडी की 3 सदस्यीय टीम बांदा जेल पहुंची और 6 घंटे तक मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई है। ये पूछताछ अलग कमरे में ऑन कैमरा हुई। बीते जुलाई महीने में गाजीपुर की 2 और लखनऊ में दर्ज एक FIR को आधार बनाते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी की नजर मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर थी, जिसके संबंध में ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। जिले में जीका वायरस के मामले 89 तक जा पहुंचे हैं। 3 एयरफोर्स कर्मियों को भी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन ने वायरस की रोकथाम और पहचान के लिए कई टीमें बनाई हैं, जो घर घर जाकर अपना काम कर रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं जीका वायरस से संक्रमित लोगों के, और देखिए ये आंकड़ा 89 तक पहुंच चुका है, जो चिंता बढ़ा रहा है। कानपुर का आंकड़ा हम आपके सामने अभी रख रहे हैं। कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़े, 10 और नए केस इस जिले से सामने आ चुके हैं। 89 सब कुछ और टीमें बढ़ाई गई मेडिकल विभाग की तरफ से? हाँ, टीमें तो चली रही हैं लगातार। लगभग कितनी टीमें होंगी और किस तरह से अभी आप लोग अपना पूरा जीका को लेकर अभियान चला रहे हैं? वो तो जैसे भी निरोधात्मक एक्टिव चल रही है, वही 100 टीमें जो है घर घर जाकर सर्विलांस के काम कार्य कर रही हैं, जिसमें गर्भवती माताओं की सिम्टोमेटिक की या कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति की, जैसे केरल या महाराष्ट्र या इधर कोई विदेश से आया हो, उसकी लाइन लिस्टिंग की जा रही है, उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। दूसरा 100 टीमें सोर्स रिडक्शन की लगी हुई हैं, जो घर घर में सोर्स रिडक्ट कर रही हैं, उन्हें समाप्त कर रही हैं। लार्विसाइडल का स्प्रे कर रही हैं, घरों के अंदर पायरेथियम का स्प्रे कर रही हैं। 50 टीमें लगाई गई हैं सैम्पलिंग के लिए जो मिलते हैं, और 15 टीमें जो हैं RRT की लगी हैं। वहीं चेन्नई में भारी बरसात के कारण हालात बहुत ज्यादा खराब हुए पड़े हैं। यहां के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, सड़कें पानी से पूरी तरह लबालब हैं और लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है। यहां मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वहां की सड़कों की मौजूदा स्थिति है। आप देख सकते हैं चक्रवात के चलते चेन्नई का क्या हाल है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी बरसात से हालात बिगड़ रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों की दुकानों में पानी घुस रहा है, लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं, घर में भी ढंग से गुजारा नहीं हो पा रहा है। वहीं सरकार की जो है वो नज़र बनी हुई है हालातों पर। कई इलाके जलमग्न हुए पड़े हैं और 11 नवंबर तक जारी किया गया अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है।